ये है थ्री इन वन डिवाइस जेब्रोनिक्स की ओर से, ये है साउंड बोम X1 जो कि रिसेंटली लॉन्च TWS स्पीकर एंड एक LED टॉर्च की तरह काम करेगा। तो ये प्रोडक्ट मैंने 1400 रुपीज में परचेज किया है Amazon की वेबसाइट से। आप अगर परचेज करना चाहते हैं लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट उससे पहले कंप्लीट रिव्यू जान लीजिए प्रोडक्ट का, क्या क्या फीचर फंक्शन है एंड क्या इसको लेना वैल्यू फॉर मनी है, राइट डिसीजन रहेगा आप लोगों के लिए या नहीं रहेगा। तो चलिए यार पहले स्टार्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग के साथ। ये है जेब्रोनिक्स के साउंड बॉम X1 ब्लूटूथ स्पीकर कम TWS, दोनों के दोनों यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो सामने आपको ट्रांसपेरेंट जो इसकी पैकेजिंग मिल रही है, जहाँ पे आपके ईयरबड्स बोल सकते हैं प्लेस है। पीछे की तरफ टर्न करेंगे तो आपको की हाइलाइट्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको 13mm ड्राइवर मिलते हैं, कोल फंक्शन है, बिल्ट इन LED इंडिकेटर, स्प्लैश प्रूफ है, 30mm के ड्राइवर मिलते हैं, 4 स्पीकर 3 डिफरेंट कलर में ये अवेलेबल है। एंड साइड में आपको फिर से की हाईलाइट मिलते हैं, जहाँ पे 5.0 की कनेक्टिविटी, टच कंट्रोल, टाइप सी पोर्टेबल स्पीकर है, अप टू 30 आवर्स का प्लेबैक है, एंड 4 स्पीकर 19 आवर है। यहाँ वाले सेक्शन पे आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल के साथ क्या क्या आपको मिलता है वो, एंड प्राइसिंग है मेंशन 4000 रुपीज। तो बस यही था प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे, एंड चलिए इसको कर लेते हैं अनबॉक्स। ओके, तो आपको यहाँ से इसको सेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट है अंदर की तरफ प्लेस है। पूरा सेक्शन हम निकाल लेते हैं एंड मिलती है हमें एक सिर्फ पेपर, जिसमें आपको मिलता है यहाँ पे लाइक इसका यूजर मैनुअल, जो आप स्कैन करके चेकआउट कर सकते हैं। बॉक्स तो रख दिया साइड में, हम आते हैं प्रोडक्ट पे। तो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा, एंड पूरा का पूरा इसको मैं निकाल लेता हूँ। ये है आपकी स्पीकर कम TWS, जो कि हम चेक करेंगे डेफिनेटली। एंड ये जेब्रोनिक्स की जो नॉर्मली एक चार्जिंग केबल रहती है डिफरेंट डिफरेंट कलर में, तो वो आपको यहाँ पे दी गई सिग्नेचर बोल सकता हूँ मैं, टाइप सी वाली चार्जिंग केबल है। एंड सिर्फ आपको ये मिलता है जो कि जेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग, ये आपका स्पीकर वाला पोर्शन हो गया। एंड यहाँ से अगर आप स्वैप करेंगे तो आपके ईयरबड्स देखने के लिए मिल जाते हैं, तो एक टाइप में एक ही आप यूज़ कर पाएंगे। पोर्टेबल है बोल सकते हैं, पोर्टेबल है, बट हाँ अगर आप एक TWS कि उसमें देखते हैं तो थोड़ा सा बड़ा साइज ये है। बाकी सारी चीजें रख दी साइड में, फिजिकल ओवरव्यू पे आते हैं। तो आपको एक फ्लैश लाइट काइंड ऑफ थिंग मिल जाती है, जो कि बोल सकता हूँ अच्छी बात है। देन ये 4 इंडिकेटर हैं, फ्लैश लाइट वाला ये अलग से, टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट है, ये आप अपने बैग वगैरह पे लटका सकते हैं, हुक वगैरह। देन वॉल्यूम कंट्रोल एंड वाला ऑप्शन, ये स्पीकर के लिए दिया है IKS, पावर ऑन एंड ऑफ बटन। पीछे की तरफ आप चेकआउट करते हैं तो आपको जो है जेब्रोनिक्स का लोगो एंड प्रोडक्ट नहीं मिलता है, तो प्रिटी मच चाहिए। अगर मैं बोलूँ इसकी लाइक बिल्ड क्वालिटी, तो एक प्लास्टिक पूरा फील होता है, एंड ठीक है यार बिल्ड क्वालिटी वाइज मेरे को इतनी शिकायत नहीं है। इसको स्लाइड करेंगे तो आपको आपके ईयरबड्स प्लेस यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि आपको नॉर्मली लाइक प्लास्टिक ईयरटिप्स के साथ आने वाले ये ईयरबड्स हैं, जो कि लाइक थोड़ा सा चीप काइंड ऑफ प्लास्टिक फील होता है। अगर प्राइसिंग की मैं बात करूँ, मैंने 1400 रुपये इसके लिए पे किए। आपको जेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी, ईयरबड्स पे आपको LED इंडिकेटर मिलता है, एंड यह होगी इसकी चार्जिंग पॉइंट्स। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग देखते हैं मैग्नेट कितना स्ट्रॉन्ग है, मैग्नेट आपको डिसेंट स्ट्रॉन्ग मिल जाता है, एंड अच्छी क्वालिटी वाला मैग्नेट है। तो चलिए एक बार कनेक्ट करते हैं इसको अपने फ़ोन के साथ। आपका आपके फ़ोन सेक्शन में ऑप्शन आ जाएगा ईयरबड्स का, एंड उसको आप सिंपली पेयर कर सकते हैं। तो ईयरबड्स तो हो चुके हैं आपके पेयर, एंड कैसे इसके स्पीकर को कनेक्ट करेंगे तो वो हम चेक कर लेते हैं। तो पहले उसको कर लेते हैं ऑन। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग आपको कनेक्ट करना पड़ेगा स्पीकर को अलग से, एंड इवन दो जो आपके ईयरबड्स है उसको अलग से कनेक्ट करना पड़ेगा। दोनों यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं, तो चलिए एक बार जो है चीजें परफॉर्म करके देखते हैं। प्रोडक्ट हमने अनबॉक्स कर लिया है, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो प्योर प्लास्टिक बेस्ड है, एंड ये कहीं से भी प्रीमियम एंगल नहीं देता। एंड इवन दो जो प्राइस है अंडर 1500 रुपीज है, आपको काइंड ऑफ एक कोम्बो मिल जाता है, जहाँ पे स्पीकर भी है ईयरबड्स भी है, तो थोड़ा बहुत आपको कम्प्रोमाइज करना पड़ेगा फीचर्स के साथ भी, साथ साथ बिल्ड क्वालिटी के साथ भी। जहां तक बात है इसकी साउंड क्वालिटी की, तो साउंड क्वालिटी आपको दो तरह से सुनने के लिए मिलेगी। आप आइदर स्पीकर का यूज कर सकते हैं, एंड आइदर आप जो है ईयरबड्स यूज कर सकते हैं। तो ईयरबड्स के लिए 13mm के ड्राइवर है, एंड आपको जो है स्पीकर के लिए मिलते हैं 36mm के ड्राइवर। तो चलिए एक बार साउंड टेस्ट करते हैं, उसके बाद साउंड बेस पे मैं आपको बता दूं इसके रिजल्ट। Zebronics for life. तो
तो आई होप गाइस आपने साउंड यहाँ पे सुन ली, एयरबड्स की भी एंड स्पीकर की भी। एयरबड्स की साउंड पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मेरे को ओवरऑल 8.5 लगी, बेस भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है, उसके अलावा आपको वोकल साउंड होगी या फिर ओवरऑल म्यूजिक के लेवल होगी, कुल मिला के ठीक मिलता है, थोड़ा अबोव एवरेज में बोल सकता हूँ, एंड इसलिए मैंने इसको रेट किया 8.5 आउट ऑफ 10। अगर हम स्पीकर की साउंड क्वालिटी की बात करते हैं, मेरे को कुछ कुछ म्यूजिक में ऐसा लगा जो इसका बेस है वो दबा दबा है, इतनी बढ़िया क्लैरिटी के साथ बेस नहीं आ पाता, एंड जो ओवरऑल स्पीकर का आउटपुट है वो मेरे को एक पर्सनल स्पीकर लाइक 3 वोट के अंदर वाला जो स्पीकर होता ना, तो उतनी आउटपुट ये दे सकता है, उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। इवन तो काफी कॉम्पैक्ट है, तो अगर आपका फोन में थोड़ी दिक्कत है तो उस टाइप से आप इसको यूज कर सकते हैं, स्पीकर पे यूज कर सकते हैं, बट मूवीज वगैरह देखने के लिए ये परफेक्टली आपके वर्क करेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं टच फंक्शनैलिटी की, तो टच से आप म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं, नेक्स्ट प्रीवियस इवन द वॉल्यूम लेवल आप कंट्रोल कर सकते हैं, एंड आप वॉइस असिस्टेंट को अवेक कर सकते हैं। मेरे को एक दिक्कत लगी यहाँ पे, दिक्कत क्या, मैं जेब्रोनिक्स को थोड़ा सजेशन देना चाहूंगा, अगर ये सीमलेस कनेक्टिविटी के साथ आता, विच मीन अगर यहाँ पे लीड वाला पोर्शन अगर टीरोलेस पे है तो वो ऑफ रहेंगे, जैसे ये स्पीकर पे आता है तो आपका स्पीकर ऑफ रहेगा, तो अगर ये वाली टेक्नोलॉजी ये इंट्रोड्यूस कर देते सीमलेस कनेक्टिविटी, देन इट विल वर्क लाइक ए चार्म। बट ठीक है, अभी थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ता है, कनेक्टिविटी वाइज इतना दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत आपको लाइक 5 सेकंड के अराउंड यहाँ पे स्विच करने में ले लेता है स्पीकर टू ईयरबड्स एंड ईयरबड्स टू स्पीकर। तो ओवरऑल मैं इसको म्यूजिक बेस पे आपको प्रेफर कर सकता हूँ, अगर आपको लाइक एक 2-in-1 डिवाइस चाहिए तो। उसके अलावा जो LED लाइट है ये इतनी लाइक पावरफुल नहीं है, आपके जो स्मार्टफोन है उसके भी थोड़ा सा लाइक लो वर्जन में ये LED लाइट आपको वर्क करती हुई मिलेगी। एमरजेंसी बेस पे आप इसको यूज कर सकते हैं। जहां तक बात है बैटरी बैकअप की, तो बैटरी बैकअप भी 2 अलग अलग पोर्शन में यहाँ पे डिवाइडेड है। 30 आवर्स आपको मिलती है इसमें जो है टीयरबड्स के लिए, एंड 19 आवर आपको मिल जाएगी स्पीकर के लिए। तो ओवरऑल जो चार्जिंग टाइम है करीबन 2 घंटे के अराउंड है, क्योंकि 2 बैटरी यहाँ पे बिल्ट है, एंड चार्ज करने में थोड़ा टाइम लेगा। LED इंडिकेटर आपको दिए गए हैं, जो कि एक आइडिया लगा देगा कि कितनी बैटरी आपके टीयरबड्स की या स्पीकर की चार्ज हो चुकी है। तो यार बैटरी बैकअप वाइज मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं लगी। जहां तक बात है इसके माइक्रोफोन की क्वालिटी की, तो माइक्रोफोन वाइज मैं चेक कर रहा था, ENC कहीं पे मेंशन है नहीं है, मेरे को पर्सनली ENC वाला फीचर नहीं मिला, बट अगर आपको मिला है आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि कहां पे आपको ENC वाला फीचर दिखा। तो चलिए एक बार स्पीकर टेस्ट कर लेते हैं इसके ईयरबड्स के, कि कितने बढ़िया माइक्रोफोन एंड स्पीकर आपको मिल जाते हैं। ये जो वॉइस आपको रिकॉर्ड होती हुई सुनाई दे रही है, ये जेब्रोनिक्स के X1 से रिकॉर्ड होती हुई सुनाई दे रही है, एंड अभी मैं फोन से इसको कनेक्ट किया हूँ, एंड जो साउंड रिकॉर्ड हो रही है वाई ब्लूटूथ मैं बोल सकता हूँ वो रिकॉर्ड हो रही है, एंड डिस्टर्बेंस इतना नहीं है, बट क्या वॉइस की क्लैरिटी है नहीं है, क्या कोई एक्स्ट्रा एडिशनल नॉइस ये कैप्चर कर रहा है, वो चीज आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इसकी ओवरऑल माइक्रोफोन क्वालिटी की, तो माइक्रोफोन मेरे को डिसेंट लगा, एटलीस्ट फॉर इंडोर में कोई भी दिक्कत नहीं है, एंड अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिस्टर्बेंस हो जाता तो भी ये ठीक ठाक वर्क कर लेंगे। बट एक चीज यहाँ पे मैं आपको मेंशन करना भूल गया, इसका एयर कंफर्ट एंड अदर चीजें, तो ये आता है IPX4 के साथ, जो कि स्प्लैश रेजिस्टेंट है, क्योंकि यार स्पीकर वाला पोर्शन भी है एंड सिर्फ आपका लाइक ईयरबड्स वाला पोर्शन भी रिमूव जाता है, तो वहां पे स्प्लैश रेजिस्टर ही थोड़ा सा ठीक वर्क करेगा, ना कि वाटर रेजिस्टेंट। इन ईयर फिटिंग की अगर मैं बात करूँ, तो इन ईयर फिटिंग मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी, इतना एडजस्टेबल नहीं लगा। रिसेंटली लाइक 2 दिन में मैं 5 से 6 ऐसे टीयरलेस चेक कर चुका हूँ जो कि प्लास्टिक एडिप्स के साथ आते हैं, ये बोल सकता हूँ कि इसकी जो ईयर फिटिंग है वो उन सब में बेकार है, एंड ईयर ग्रिप भी इतनी अच्छी नहीं मिलती। तो अगर आप रनिंग एंड जॉगिंग टाइम पे इनको यूज करते हैं तो ये ईयर से डेफिनेटली यार इजिली पॉप आउट हो जाएंगे, एंड आपके ईयरबड्स आपसे खो जाएंगे। तो यार उस टाइप से आप इसको यूज मत कीजिए, अगर आपका काम है घर पे, एंड घर पे आप यूज कर सकते हैं, आउटडोर में इतना प्रेफर नहीं करूंगा। तो फॉर होम गाइज डेफिनेटली ये चीज आप परचेज कर सकते हैं, जिसको मैं टीयरलेस बोलूँ, स्पीकर बोलूँ, या फिर एक हाइब्रिड प्रोडक्ट बोलूँ। तो आप मेरे को बताइए कि क्या इस टाइप के प्रोडक्ट का फ्यूचर में स्कोप है, थोड़ा और मॉडिफाई किया जा सकता है, थोड़ा और टेक्नोलॉजी यहाँ पे लाई जा सकती थी, तो वो चीज़ आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक वीडियो पे बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।